हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश हाइब्रिड में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट फाइव पढ़ेंगे और इसमें दोस्तों हम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चनों को और जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आज फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थ्री है ना, पार्ट फोर, ये हमने बता दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और उनको देख लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, अब यहाँ पर उत्तीर्ण की बात की है, यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए हैं, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों में क्या रहे, उत्तीर्ण रहे, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है कि उस स्कूल में कुल परीक्षार्थी कितने थे, ये उसने हमसे पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना है, मस्त तरीके से अच्छे से दिमाग से उसको पढ़ लेना है। फिर क्या करना है, आप उत्तीर्ण उत्तीर्ण को पहचानना और अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण को पहचानना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तीर्ण दिया है, यहाँ पर उत्तीर्ण दिया है, ये दोनों उत्तीर्ण है, लेकिन ये क्या कर दिया उसने, अनुत्तीर्ण कर दिया। तो हमें इससे नहीं है मतलब, हमें अगर अनुत्तीर्ण दिया है और उत्तीर्णों की संख्या ज्यादा है तो आपको उत्तीर्ण में चेंज कर लेना है, और अनुत्तीर्णों की संख्या ज्यादा है और एकाध कोई उत्तीर्ण है तो उसको अनुत्तीर्ण में चेंज कर लेना है ना। तो इसमें हमें उत्तीर्ण की संख्या ज्यादा दी है ना, उत्तीर्ण उत्तीर्ण, और ये केवल अनुत्तीर्ण दिया है, तो इसको हम क्या में करेंगे, उत्तीर्ण में चेंज कर लेंगे, है ना। तो ऐसा समझो, आप इसको कैसे करते हैं उसको देखो। पहले एक कॉन्सेप्ट और समझो कि आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी विद्यार्थी, किसी भी क्लास में विद्यार्थी, किसी भी स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं वो 100% होते हैं, ये आपको याद रखना है हमेशा। किसी भी कक्षा में या किसी भी स्कूल में जो विद्यार्थी होंगे वो कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे, है ना। तो आइए इसको अब समझते हैं, है ना। अब 60% किसमें उत्तीर्ण हुए, गणित में, किसमें हुए, गणित में हुए, और क्या अंग्रेजी में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 70% उत्तीर्ण हुए। तो ये आपने क्या कर दिया, दोनों का जोड़ कर दिया, ठीक है। अब ये गणित के हुए और ये किसके हुए, अंग्रेजी के हुए, और इसमें से 20% दोनों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अब पूरा क्या होता है, 100%। अब 20% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 80% ना, कितना होंगे, 80% होंगे। तो आपको क्या करना है, जो विषय में उत्तीर्ण है उनका जोड़ करके दोनों वाले को, मतलब जो कॉमन वाला है उसको घटाना है। तो कॉमन वाला कितना है, 80%, है ना, क्योंकि 20% अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 80% होंगे, है ना। तो दोनों को जोड़ लेना है तो कितना आ जाएगा, 130 माइनस 80 बराबर 80 बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, कितना आ गया, 50% आ गया। मतलब जो है आपका 50% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हुए, 50% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, आपको याद रखना है ना। तो दोनों विषय में अपन को उत्तीर्ण का परसेंट निकालना है, तो ये आ गया 50%, दोनों में क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, समझ में आया ना। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इसने बोला है 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब एक कुल उत्तीर्णों की संख्या हमारी ये आ गई 50%। लेकिन परसेंट में 50 है और रियल नंबर कितना है, 2500, रियल नंबर कितना है, 2500, मतलब ये और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब 50% बराबर क्या हो जाएगा, 2500% हो जाएगा, क्योंकि रियल में वैल्यू ये है तो परसेंट में वैल्यू ये है। हम 1% का यदि निकालेंगे तो 1% का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताओ, 50, देखो 5 5 25 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारा कितना आ गया, कितना आ गया हमारा, आप देखो 50, हाँ 50 आ, 1 0 से 1 0 कट दिया, हमारा कितना आ गया, 50 आ गया, कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये तो एक के लिए आया 50, लेकिन हमारा पूरा संख्या कितनी रहती है, 100% रहती है ना। तो आप क्या करोगे, इस 50 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 5000, क्या जाएगा, 5000, मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या आई है वो कितनी है, 5000 है, कितनी है, 5000, आपको ये ध्यान रखना है ना। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर दोनों विषय में कुल कितना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थियों की क्या है संख्या, आप बताइए। क्या बताइए आप? संख्या बताइए। तो यहाँ पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दिया है, तो आप क्या करते हैं सब्जेक्ट वाले को जोड़ के जो कॉमन वाला होता है उसको घटा देते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप देखेगा, है ना। तो गणित में कितना है 42%, है ना। अंग्रेजी में कितना है 52%, इन दोनों को जोड़ दिया। कॉमन कितना है, इसमें भी अनुत्तीर्ण दिया है तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। तो 17 को आप क्या कर देंगे कॉमन, घटा देंगे, है ना। तो अपन घटा देंगे तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 5 4 क्या हो गया 9, माइनस क्या हो जाएगा 17। अब 17 को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, इधर 14 में से 7 जाएंगे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, इधर 8, 8 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। मतलब दोस्तों हमारा ये है कि जो 77% जो विद्यार्थी आए हैं वो अनुत्तीर्ण हैं, 77% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों में क्या है अनुत्तीर्ण है। क्या है? अनुत्तीर्ण। अब हमें यहाँ पर बताइए, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो उत्तीर्ण की बात कर रहा है। अब 77% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे, तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे। जब हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये क्या है अनुत्तीर्ण, क्या है अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब 100 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तीर्ण कितना आ जाएगा उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण हमारा आ जाएगा 23%। कितना आ जाएगा 23%। तो परसेंट में उत्तीर्ण कितना है 23 और रियल में उत्तीर्ण कितना है हमारा 46 है। क्या है 46। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। एक का निकालेंगे तो इसका हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 23 दूनी क्या हो जाएगा 46, मतलब हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हमारा 1% के लिए कितना आ गया 2 आ गया। हमें किसके लिए निकालना होता है 100 के लिए निकालना होता है, तो इस 2 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 200। क्या जाएगा 200, मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या आई है वो कितनी है 200। समझ रहे ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, है ना। जो 2 आया है उसका हम 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कुल संख्या 100% होती है, तो हमारा 200 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना तो आप बहुत तेजी आसान। क्वेश्चन हमारा है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थी ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी हमसे पूछे हैं। तो यहाँ पर जीव विज्ञान वाले विद्यार्थी जो बता दिए, गणित वाले विद्यार्थी इसने बता दिए, लेकिन दोनों में से कम एक विषय चुना है, मतलब जो कॉमन वाला नंबर है, कॉमन वाला जो परसेंटेज है वो आपको नहीं बताया गया, तो अब तो हमें प्रॉब्लम हो गई। लेकिन नहीं, कोई प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया कि कॉमन वाला नंबर नहीं दिया तो आप कॉमन वाला नंबर निकालोगे। कैसे निकालोगे आप उसको समझो। देखो इधर, आप ये बताओ कि जीव विज्ञान में कितना है आपका 72 है। कितना है 72 है। आप ये बताओ गणित में कितना है 44 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आप पहले इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ा तो 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, 7 4 क्या हो गया 11 हो गया, कुल आ गया हमारा 116। हमें कॉमन वाला नहीं दिया, कॉमन वाला हमें निकालना है, तो आप क्या करोगे, अगर इन दोनों का जोड़ 100 से ज्यादा है तो 100 को इसमें से घटा दोगे, और यदि इन दोनों का जोड़ 100 से कम है तो 100 में से इसको घटा दोगे, तो आपका जो कॉमन वाला है वो निकल जाएगा। आपको यहां पर ये इन दोनों का जोड़ 100 से अधिक दिया है,
तो 100 को इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 16%। कितना आ जाएगा? 16%। मतलब 16% जो विद्यार्थी हैं उन्होंने दोनों विषयों को चुना है। कितने विषयों को? दोनों विषयों को चुना है। अब परसेंटेज में 16% है और रियल में कितना है? 40। रियल में कितना है? 40। मतलब ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 16% बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आपको क्या करना है? एक का निकालना है। एक का निकालना है तो इससे आप क्या कर दोगे? भाग लगा दोगे। तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये एक का निकल जाएगा। अब अपन को तो कुल चाहिए ना। अब कुल के लिए आप क्या करते हो? 100% होता है कुल। तो कुल के लिए आप क्या कर दोगे? 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 4 चौके 16 और 4 का हम देंगे तो 25 बार चला जाएगा, है ना। अब 4 एकम 4, ये 10 बचा, तो 25 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 250। मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपको कितनी दी है? 250। आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित हैं? यहाँ तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही दिया है परसेंट के इतना उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण बताओ। तो हमें कितना बोला है? 78% क्या है? उत्तीर्ण है, है ना। तो 110 लड़के क्या है? अनुत्तीर्ण है। क्या है? 110 लड़के अनुत्तीर्ण। अब देखो उत्तीर्ण कितने हैं? 78%। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 100 में से 78 को माइनस कर दो, क्या आ गया हमारा? 22% आएगा ना। तो 22% क्या है? क्या है? अनुत्तीर्ण है। और अनुत्तीर्ण परसेंट में कितना है? 22%। और रियल में कितना है? 110। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एक का निकालेंगे तो 22 का हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 22 यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ, एक के लिए निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 110/22। तो 11 दूनी क्या हो गया? 22 हो गया। यहाँ पर क्या बचा? एक बचा। तो 2 पंजे क्या हो गया? 10 हो गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब सॉरी 5 आ गया। क्या आ गया? ये 5 आ गया। अब हमें 1% के लिए 5 आया, हमें तो 100 के लिए निकालना होता है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा, है ना। मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल कितने लड़के हैं? 500 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 500 लड़के हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, है ना। अब हमें क्वेश्चन अगला इस टाइप से आता है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3, है ना, जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 विद्यार्थी छात्र हैं। कितने हैं? छात्र। तो इन दोनों को आप जोड़ो कितना आ रहा है? तो कुल छात्र आपके कितने आ रहे हैं? 150। कुल छात्र आपके कितने? 150। इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल कितना आ गया? 150 आ गया, है ना। 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो उत्तीर्ण है उनकी संख्या निकाल लेंगे। तो हमें पता है पहले सेक्शन में 10% उत्तीर्ण है, 50 वाले में 20% और 60 वाले में कितना है? 10%। तो दोनों का सबका हमें परसेंट निकालेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा? उत्तीर्ण की क्या जाएगी? संख्या जाएगी। तो 40 का हम 10% निकालेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। अब इस 50 के लिए निकालेंगे तो क्या जाएगा? 20% हो रहा है तो 20 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो 60 × 10 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 10 से 10 क्या आ गया हमारा? 6, है ना। तो क्या हो गया? 10 और 4 = 14 और 6 कितना हो गया? 20। मतलब उत्तीर्ण की संख्या कितनी है हमारी? 20 है। और कुल संख्या कितनी है हमारी? 150 है। तो उन्होंने उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है, उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है। अब उत्तीर्ण है कितने? 20। कितने में से? 150 में से।
तो आप क्या कर दोगे, 20/150 प्रतिशत में बदलना है तो 100 कर दोगे, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 20 हो गया। तो 20 दिया कितना हो गया अपना, सॉरी 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया, बटे कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से भाग लगाओ, 3 एकम 3 आ गया, कितना बचा, एक एक बचा 10 हो गया, है ना। तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, कितना बचा, 1 बचा, तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, 13 सही 1/3%, ये हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तीर्ण का क्या है, प्रतिशत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। अब दोस्तों अगली वीडियो में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे हम, और तो और क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो जनसंख्या वाले दोस्तों जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में ही लेकर आएंगे, है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।